रीवा के पावर हाउस के पास खाद के गोदाम में भीषण आग लगी। समय रहते आग पर पाया गया काबू, कोई भी जनहानि नहीं हुई। शहर के बीचों बीच खाद के गोदाम में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, लाखों के नुकसान होने का अनुमान। रीवा शहर के बीचों बीच स्थापित है विद्युत मंडल का ऑफिस, जिसे हर आदमी पावर हाउस के नाम से जानता है। ठीक यहीं पर पुरानी गल्ला मंडी मौजूद है। इसी के पीछे पावर हाउस और खाद का एक गोदाम भी है। इसी गोदाम में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही चारों तरफ अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर लोगों को किसी अनहोनी की आशंका दिखने लगी। दिन को दूर से ही आग की लपटें और धुआं साफ तौर से देखा जा रहा था। थोड़ी ही देर पर पावर हाउस के बगल में मौजूद खाद के दुकान पर भारी भीड़ मौजूद हो गई। इसी दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना देने वाले ने फायर ब्रिगेड को बताया पावर हाउस में आग लग गई। तत्काल ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने देखा आग पावर हाउस में नहीं, बगल में खाद के गोदाम में लगी है। फिर शुरू हुआ आग बुझाने का सिलसिला। गोदाम के अंदर कितनी खाद थी, क्या क्या रखा था, इस बात का अंदाजा वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं था। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। बेहतर बात रही किसी भी तरीके की इस दौरान जनहानि नहीं हुई। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर से देख पा रहे हैं, किस तरीके से आग के शोले भड़क रहे हैं, धधक रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, यह बताने के लिए पर्याप्त है आग कितनी तेजी से लगी और समय रहते बुझा दी गई। यह तो बेहतर बात रही, आग लगने की वजह से कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई भी गंभीर हादसा नहीं हुआ। यही आग अगर रात के अंधेरे में लगी होती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता फायर ब्रिगेड को। गोदाम के अंदर कितनी खाद थी, उसकी क्या कीमत थी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जब पूरे मामले की जांच होगी, रिकॉर्ड देखे जाएंगे, पूरे मामले की तफ्तीश होगी, तब निकल कर आएगा कितनी रखी थी वहां पर खाद, कितनी का नुकसान हुआ। हमने आग बुझाने आए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी से बात की। उसका साफ तौर से कहना था, हम फोन पर सूचना मिली थी पावर हाउस में आग लग गई। हम लोग तत्काल ही मौके पर पहुंचे, लेकिन यहां पर पावर हाउस में आग नहीं लगी थी, बल्कि उसके बगल के खाद के गोदाम में आग लगी थी, जिसे हमने सफलतापूर्वक बुझा दिया है। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पूरे मामले को लेकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो आग बुझाने आए थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हम लोगों को सूचना मिली कि गल्ला मंडी में जो ये पावर हाउस है वहाँ पे आग लगी है, तो वही हम लोग तत्काल वहाँ से रवाना हो गए। और यहाँ आके देखे तो इसमें पावर हाउस में नहीं, बल्कि पावर हाउस के बगल में एक गोदाम है खाद ओत का, पता नहीं काहे का, उसी में आग है। आग बुझ चुकी है, कंट्रोल हो गई, पूरा हो गया। और बाकी तो अंदर कुछ नहीं था, नी पन्नी था उसमें। क्या नाम है आपका? के द्विवेदी हमारा नाम।